नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी एस सर्किट चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और आज हम फिर लेके आए कुछ गेट के क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही हमारी अंडरस्टैंडिंग सुधारने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ यूनि प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम ओनली हैज टू प्रोसेसेस, बोथ ऑफ विच अल्टरनेट 10 मिली सेकेंड, सीपीयू बर्स्ट, P1 और P2 है दोनों का, एंड इनपुट आउट अभी 90 मिली सेकेंड इनपुट आउटपुट बस्ट। ये सीपीयू बस्ट है, ये इनपुट आउटपुट है 90 मिली सेकेंड। बोथ द प्रोसेसेस वर क्रिएटेड एट नियरली द सेम टाइम, ठीक है, दोनों जो है एकदम सेम टाइम पे आए हुए हैं, मतलब अराइवल टाइम सेम हो गया, अराइवल टाइम 00। मतलब ये वाले जो है पैरेलल ही चल सकते हैं। पी लिख लिया मैंने, पैरेलल के लिए ऐसे लिख लेते, चलो पैरेलल। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज विल रिजल्ट इन लीस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन, सबसे कम सीपीयू यूटिलाइजेशन देगा ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर दिस सिस्टम। तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहले P1 हमने रन कर लिया, जैसे समझ लो तो जो पहला है पूरा 10 तक रन कर लिया हमने इसे, और क्या कहते हैं P2 रन होगा कहाँ तक, 20 तक। अब जैसे सीपीयू खत्म हो गया तो ये इनपुट आउटपुट चालू कर दिया इसने, तो ये 90 तक चलेगा, मतलब ये 100 तक जाएगा, यहाँ पर कुछ सही 100 तक आएगा ये इनपुट आउटपुट ऑफ P1, और P2 का जो इनपुट आउटपुट है वो कहाँ तक चलेगा, वो 110 तक चलेगा यहाँ पर करीब करीब, इनपुट आउटपुट ऑफ P2, ठीक है यहाँ तक चलेगा वो, तो 110 तक आएगा मेरे हिसाब से। चलो 110 तक ये हो गया खत्म। अब जो है इसमें एक ही बार जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है हमारा। अब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम नीचे यहाँ पर। अब चलो इसका कलर बदल लेते हैं पहले। अब रिमेनिंग टाइम कितना है, सीपीयू शॉर्टेस्ट तो दोनों में से कोई है नहीं, तो P1 को कर लो पहले रन। अब एक बार रन कर ले तो वही शॉर्टेस्ट हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, सेम चीज रहेगी यहाँ पर, क्योंकि जीरो से लेके आप, अब इसको एक बार रन कर ले तो वो नीचे हो गया, और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वही रहेगा फिर, तो ये 10 तक हो जाएगा, फिर P2 ये 20 तक, और इसका टोटल मतलब ये 90 तक चलेगा, तो ये 110 भी खत्म होगा। अब उसके बाद और यहाँ पर भी एक ही बार हुआ है कॉन्टेक्स्ट स्विच, अब यहाँ पर तीसरा बार कर लेते हैं, तीसरा इसका भी कलर कर लेते, चेंज कर लेते हैं, ओके ब्लू कर लेते हैं, इसे ब्लू नहीं ब्लैक कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टैटिक प्रायोरिटी बोल रहा है, तो प्रायोरिटी जो प्रायोरिटी है वो चेंज बिल्कुल होगी नहीं, और डिफरेंट प्रायोरिटी दिया दोनों प्रोसेस को। तो फॉर एग्जाम्पल P2 को मैंने क्या कर लिया, हाई प्रायोरिटी दे दी, ठीक है ये हाई हो गया ये लो हो गया, तो मैंने P2 को रन कर लिया पहले। अब P2 को रन कर लिया, हाई प्रायोरिटी है और स्टैटिक रहेगी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी तो चेंज होगी नहीं, तो इसको जीरो से क्या कर लिया हमने, जीरो से 10 तक रन कर लिया, फिर P1 आएगा, P1 ने अपना 10 तक रन कर लिया, 20 तक रन कर लिया। अब इसका इनपुट आउटपुट खत्म होगा 100 पे, और इसका खत्म हो गया 110 पे, तो यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विच कितना आया, एक ही हुआ। चलिए अब हमारा बचता है लास्ट ऑप्शन, वो देखते हैं थोड़ा। हम थोड़ा पहले इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 क्वांटम दिया हुआ है हमें, तो पहले P1 को रन किया मैंने 0 से लेके
5 तक, और दोनों ऑलरेडी आ चुके हैं तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। अगर सब ऑलरेडी अवेलेबल है ना तुम्हारे पास, तो एक एक करके रन करते चलो, वरना आपको सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत अनिवार्य होता है। उसके बाद P1 को रन करो 11-15 तक, और फिर उसके बाद P2 को रन करो 20 तक। तो हमारा जो P1 है वो खत्म कब करेगा, वो खत्म करेगा 115 पे। 90 प्लस 15 मतलब 105 पे खत्म करेगा, सॉरी। और जो हमारा P2 है वो खत्म करेगा कहाँ पर, वो हमारा 110 पे खत्म करेगा। और बाकी एग्जांपल में क्या हो रहा था, दोनों जो एक 100 पे खत्म कर रहा था, एक 110 पे खत्म कर रहा था, ठीक है। एक जो बाकी दो सभी एग्जाम्पल में ऐसा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये 105 पे खत्म हो रहा है और ये 110 पे खत्म हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच है वो भी एक तो बढ़ रहा है यहाँ पर, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच में भी अब हमारा कोई ना कोई टाइम वेस्ट होगा ही होगा साथ ही में। और ये जो इनका कंप्लीशन टाइम है वो भी हमारा चेंजेस आ रहे वो भी बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से हम डी जो है एकदम करेक्ट आंसर मान सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास और एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आती है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो कुछ भी मतलब अलग अलग उसके होते हैं, और भी आपको कंसेप्ट चेंज होगा मतलब उसको बताया जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन आता है कि किस हिसाब से काम करा, उस हिसाब से प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है प्रोसेस हैविंग द लॉन्गेस्ट बस्ट टाइम, सो ये बिल्कुल वैसे चलेगा जो जिसमें अब तक हम ऐसा SJF में क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट वाला पहले करते थे। यहाँ पे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है तो लॉन्गेस्ट वाले को हम पहले रन करेंगे, ये हमारा उसके लिए रहेगा। अब ये क्या हो गया, उसका प्रीएम्प्टिव वर्जन हो गया, प्रीएम्प्टिव वर्जन लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला होगा वो रन करते चलो। और यहाँ पे प्रीएम्प्शन भी होगा, प्रीएम्प्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव है ये वर्जन, ठीक है। चलिए समझना है तो एग्जांपल ही देख लेते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल गेट क्वेश्चन होने वाला है। कंसीडर थ्री प्रोसेसेस 0, 1, 2 रिस्पेक्टिवली विद कंप्यूट विच कंप्यूट विद कंप्यूट टाइम, ओके कंप्यूट बस टाइम 248, ऑल प्रोसेस अराइव टाइम 0, सब 0 पे आ गया है। कंसीडर द लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कंसीडर करना। इन एलआरटी ऑफ टाइज आर ब्रोकन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू द प्रोसेस विद द लोएस्ट प्रोसेस आईडी, अब अगर टाई हो जाती है तो ये जो प्रोसेस आईडी है ना, ये जो 0, 1, 2 है, जो लो होगा वो हाई रहेगा, मतलब 0 is greater than 1 is greater than 2, ऐसा समझ लीजिए प्रायोरिटी में आप। बिल्कुल टाई होने पे ये प्रायोरिटी चलेगी भाई, ऑन टाई, ऑन टाई। अब लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है तो P2 रन कर लो, P2 को हमने 0 से लेके 4 तक रन कर लिया। अब क्या हो गया, 4 पे टाई हो गई, तो कम कौन सा है, P1 है, तो P1 रन कर लिया हमने, तो P1 को जैसे ही रन किया हमने 5 पे, ये देख लीजिए मैंने 4 पे रन कर लिया था, ये देखना भूल गया मैं, अब 4 अब P1 को रन कर लिया तो ये 3 हो गया। अब लॉन्गेस्ट फिर से कौन हो गया, P2 हो गया, P2 को रन कर लिया 6 तक, P2 का कम हो गया, देखा तो अरे फिर से टाई हो गई। अब क्या करेंगे, फिर से P1 को रन करो 7 तक, और ये अरे फिर से टाइक ब्रेक हो गई। अब क्या करो, अब P2 को रन करना क्योंकि लॉन्गेस्ट तो वही है, तो हमने क्या किया, फिर से P2 को रन किया 8 तक, और इसको कम कर दिया, अरे फिर से टाई हो गई। अब क्या करना है, अगर आप अभी सोच रहे होंगे कि P1 को रन करना है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि P1 का भी वैल्यू क्या है, सॉरी P0 का भी वैल्यू क्या है, P2 है, इसका मतलब रन कौन होगा, P0 रन होगा। P0 को चलाया हमने 9 तक, इसका हो गया 1। अब बचे कौन है, P1 और P2, हाईएस्ट कौन है इनमें, इनमें भी नहीं पता क्योंकि इनमें भी टाई हो चुकी है। सो अब इनमें से कौन सा रन होगा, बिल्कुल P1 होगा, 10 तक, ये 1 कर लिया हमने। अब हाईएस्ट कौन है, P2 है, P2 को रन कर लिया 11 तक, इसको कर लिया 1, ठीक है। अब फिर से टाई हो गई तीनों में, अब सबसे छोटा है वो रन होगा, P0 रन हो गया 12 तक, यह हो गया रेस से बाहर, रेस से बाहर। उसके बाद अब ये दो बच्चे हैं, अब उनमें से टाई हो चुके, रन कौन होगा, P1 रन होगा, कहाँ तक चलेगा, 13 तक चलेगा। अब ये भी रन से, ये भी हो गया बाहर। अब बचा है P2 जो है हमारा आखिरी में रन होगा P4 14 तक। अब बोला क्या हमें,
एलआरटी ऑफ टाइज आर ब्रोकन, ओके द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज, सो हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछ रहे हैं। कंप्लीशन टाइम क्या है सीटी का, मतलब पी टू का क्या है, पी टू का तो 14 है, पी वन का क्या है, पी वन का तो 13 है, और पी नॉट का क्या है, पी नॉट का तो 12 है। अब ऐसे अगर तीन लाइन से नंबर मिल जाते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 12, 13, 14 का जो बीच का नंबर रहेगा वही हमारा टर्न अराउंड टाइम लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और अगर आपको वैसे भी नहीं समझ आ रहा है तो 12 प्लस 13 प्लस 14 कर लीजिए आप डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी हमारा क्या आएगा, बिल्कुल 13 ही आएगा। क्या हो गया ये 26 प्लस 13 मतलब 39, 39 बाई 3 13 ही आएगा ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ऐसे अलग अलग आइडियाज चेंज होते रहेंगे आपके साथ, अगर गेट क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप तो कहीं कहीं पर भी डेफिनेशन चेंज हो गई हो सकती है, आपको डेफिनेशन की समझ दी जाएगी, आपको उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना डाउट ज़रूर बताएं हमें, ताकि आप भी सीखें हम भी सीखें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और एक नई एल्गोरिदम के साथ या फिर अधिक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के साथ। धन्यवाद।